अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान G20 में शामिल होने के बाद हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और आपको बता दें, हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत सन 2022 और 23 में 52.75 बिलियन के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जहां हिंदुस्तान सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। वहीं सऊदी अरब हिंदुस्तान के लिए चौथा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर के तौर पर जाना जाता है। दिल्ली में मुनअक़िद G20 सरबराही इजलास कल से शुरू है। इसमें शिरकत के लिए आलमी सतह के रहनुमा भी पहुंच चुके हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। वो 9 और 10 सितंबर को G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद भी हिंदुस्तान में ही रहेंगे। दरअसल G20 सरबराही इजलास के बाद सऊदी वली अहद 11 सितम्बर से हिंदुस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ये इत्तिलाआत वज़ीरात खारजा की तरफ से जारी एक नोटिस में दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 9 और 10 नवंबर को G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद हिंदुस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। और आपको बता दें, इससे पहले साल 2019 में सऊदी वली अहद ने फरवरी में हिंदुस्तान का दौरा किया था और ये उनका दूसरा हिंदुस्तानी दौरा है। उनके दौरे में कई वज़रा और आला सतही ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। और सऊदी शहजादा और वजीर आजम 11 सितंबर को भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी, सकाफती, समाजी सरमायाकारी में तआवुन और मालियाती उमूर पर तबादलाए ख्याल किया जाएगा। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताएं।